फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूसेज ऑफ टेंसेज। ये टॉपिक है क्या? बेसिकली जब हम पढ़ते हैं टेंसेज को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और इस तरह से 12 टेंसेज हम पढ़ते हैं, तो ये मैंने देखा है लगभग सभी स्टूडेंट्स उसको सीख जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर समझ जाते हैं। अगर किसी से कहा जाए कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बनाइए तो बना भी देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि अब वो यूज कब करें, किन सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस या कोई भी टेंस हमें यूज करना है, ये अक्सर पता नहीं होता, कन्फ्यूजन होता है। तो जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, अब हमें कौन सा टेंस बोलना है ये हमें नहीं पता है। तो इसी को पता करने के लिए, यही बात जानने के लिए हमारा टॉपिक क्या है, यूसेज ऑफ टेंसेज, किस टेंस को कहाँ यूज करना है। तो सबसे पहला जो टेंस है हमारा, जैसे हमने स्ट्रक्चर जब सीखी थी तब भी हमने सबसे पहले टेंस क्या लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अभी भी हम ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कब कब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज करना है, ये आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये है आपका टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन और रूटीन। हैबिचुअल एक्शन और रूटीन, कोई आपकी हैबिट है, कोई चीज आप रूटीन में करते हैं, तो उन सब चीजों को आप कोई रेगुलरली करते हैं, ऐसी कोई भी अगर आपको बात कहनी है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कहेंगे। जैसे ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग उसकी एक हैबिट है चाय पीने की, वह पीता है चाय हर सुबह, तो ये क्या है, ये हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है। तो हमने किस में बनाया सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया, ये हमारा तरीका है। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ रोजाना, तो 5 बजे उठने का मतलब क्या है, मेरा रूटीन है क्या कि मैं 5 बजे उठता हूँ सुबह। अब मेरा ये रूटीन है तो मैं इस बात को अगर किसी को बताना चाहता हूं तो मैं किस में बताऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शी ऑलवेज प्रेज इन द मॉर्निंग, वो सुबह हमेशा सुबह प्रार्थना करती है, ऑलवेज अक्सर हमेशा। तो ये सब चीजें क्या है, ऐसी जो वहां जहां रूटीन है, जहां रिपीटेशन है, जहां कोई फ्रीक्वेंसी है, साल में एक बार, साल में दो बार, हर दिन, दिन में दो बार, जहां भी चीजें हैं। तो मैंने बताया जैसे एक्शन, रूटीन, रेगुलरिटी, अगर आपकी रेगुलर कोई चीज है, रेगुलरिटी है, कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई चीज एक बार या दो बार एक निश्चित टाइम पर होती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर ये चीजें हैं तो आपको सेंटेंस कैसा बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब एक नोट देख लीजिए, जनरली विद टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के साथ, ये जो नीचे एडवर्ब्स दी गई हैं इनके साथ अक्सर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, जैसे ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, यूजुअली, अक्सर, ओकेजनली, किसी एक स्पेशल दिन पर, स्पेशल समय पर, रेयरली, बहुत कभी कभार, सेल्डम, कभी नहीं, नेवर का मतलब भी क्या होता है, कभी नहीं, हार्डली, कभी कभी, मुश्किल से, स्केर्सली और हार्डली एक ही मीनिंग है, कभी कभी, हैबिचुअली, आदतन, डेली, रोजाना, एवरी डे भी रोजाना, इस तरह के वर्ड्स अगर आपके सेंटेंसेज में यूज कर रहे हैं आप, तो आपको सेंटेंस क्या होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ये आपका पहला पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किया। अब हम पहुंचते हैं दूसरे पॉइंट, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य है, जो हमेशा सच होता है, ऐसी बात को जब आप कहते हैं तो आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, निकलता है, ये एक तथ्य है, फैक्ट है, ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ, इसलिए हमने क्या टेंस यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, एक मान्यता है, जनरली इसको मानते हैं, ये मान्यता है, तो इसको भी हमने किस में बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया। तो टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, कोई फैक्ट है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा,
to express a future event that is a part of fixed timetable or fixed program. कोई चीज फ्यूचर में होनी है लेकिन वो टाइम टेबल का हिस्सा है, फिक्स टाइम है उसका, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं. जैसे द ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock, ट्रेन 9 बजे जाएगी. अब हिंदी में अगर हम जब बात कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, जाएगी, यानी के फ्यूचर है. लेकिन बना किस में रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. क्यों? क्योंकि ये टाइम टेबल का हिस्सा है. जैसे आप 6 बजे पहुंचे स्टेशन पर और आपने कहा ट्रेन कितने बजे जाएगी, ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock. हिंदी में तो बोल देंगे आप 9 बजे जाएगी, लेकिन आप इंग्लिश में अगर इस बात को कहना चाहते हैं द ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock, क्योंकि वो फिक्स होगा 9 बजे की ट्रेन 9 बजे जाएगी. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि फ्यूचर में फिक्स टाइम टेबल है इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाते हैं. द नेक्स्ट फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 7 AM टुमारो मॉर्निंग. अगली जो फ्लाइट है वो 7 बजे जाएगी सुबह, तो ये भी फिक्स टाइम है, इसलिए क्या है आपका फ्यूचर का टेंस भी हमने किस में बनाया है, फ्यूचर का सेंटेंस भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेम करते हैं. द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, मैच 9 बजे शुरू होगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप स्पेशली, मैच 9 बजे शुरू होगा, तो होगा कह रहा हूं लेकिन सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन, कॉफी हाउस कब खुलेगा, कब खुलेगा, क्योंकि खुलने का टाइम किसी भी दुकान का, कॉफी हाउस का, किसी का भी यूजुअली एक फिक्स टाइम होता है. तो सेंटेंस हम किस में पूछ रहे हैं आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन है, और फ्यूचर की बात है या टाइम टेबल की बात है तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको हम बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन. कोई कोटेशन है, किसी का कथन है, किसी व्यक्ति ने कहा है, उसको भी हम कैसे यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से उसको शुरुआत करते हैं. जैसे कीट्स सेज, कीट्स सेज, कीट ने कहा है या कीट ने कहा, देखने में तो सुनने में तो कैसा लगा, कीट्स तो पुराने कवि थे तो पास्ट में होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इज ए जॉय फॉर एवर. गांधी सेज, डू और डाई, करो या मरो, तो गांधी सेड नहीं कहते हम, गांधी सेज, क्योंकि हम कोटेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू एक्सप्रेस पजेशन. किसी के पास कोई चीज है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, वो बताने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मेरा है, बिलोंग्स, दिस इज माई पेन. अलग अलग तरीके से बना सकते हैं अगर, लेकिन अगर आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी नहीं होगा, दिस पेन बिलोंग्स टू मी होगा, पजेशन है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको एक्सप्रेस करते हैं. ही ओन्स ए बिल्डिंग, ही ओन्स ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, वो उसके पास एक बिग बिल्डिंग है, ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, उसके पास एक बड़ी बिल्डिंग है, वो उसका मालिक है, ओन्स का मतलब मालिक होना, तो यहां पर भी क्या है, पजेशन शो हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन कंडीशनल सेंटेंसेज विद सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ टाइम. कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, उनमें एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनता है, या इस बात को अगर मैं कहूं कि दो फ्यूचर के इंडेफिनिट के सेंटेंस हम एक साथ नहीं बनाते. जैसे इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, अगर तुम तेज दौड़ोगे, तेज दौड़ोगे, तेज दौड़ोगे, तो क्या है फ्यूचर, तुम जीत जाओगे, जीत जाओगे. तो दोनों आपको अगर हिंदी में देखें तो क्या है, दोनों दोनों फ्यूचर हैं, जीत जाओगे. लेकिन जिसके साथ कंडीशन वर्ड लगा है इफ, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं. इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस. व्हेन ही कम्स हियर, जब वह वहां यहां आएगा, जब वह यहां आएगा, He will help me, वो मेरी मदद करेगा. When conditional word है, इसलिए हमने यहाँ क्या sentence कैसे बनाया, present indefinite में बनाया. Unless she works hard, जब तक वो मेहनत नहीं करेगी, she will not succeed, she will not succeed, वो सफल नहीं होगी. इस तरह से हम present indefinite in situations में
प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। और कोई भी चीज़ ग्रामर, मेरा एक अनुभव है और मैं हर वीडियो में, जब से हमने ये सीरीज चलाई हुई है ग्रामर की, हर वीडियो में ये बताता हूँ। मैं आपको अलग से एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसमें आप ये देखेंगे ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यह यहाँ पर क्यों यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन छह में से कोई एक कंडीशन होगी, तो उसको आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें। जब आप पढ़ेंगे उसको, उसी कंडीशन में अगर आपको बोलना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इस तरह की वीडियो हम लगातार, पूरा ग्रामर का कोर्स हम चला रहे हैं, सारी वीडियोज वन बाय वन आपके पास आ रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।